देखो दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक सब लोग चलाते हैं, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने माँ बाप भाई बहन जो अपनी फैमिली हो, दादा दादी हो, सबका एक 5 या 10 मिनट का वीडियो बना बना के ना अपने फेसबुक पे अपलोड करके रखना चाहिए। तो भविष्य में क्या होता है कि अपने बच्चे जब देखते हैं, तो कई लोग क्या जिनके दादा दादी बहुत पहले शांत हो जाते हैं तो बच्चे देख नहीं पाते, फिर वो कभी देखते कि यार मेरे दादा कैसे थे, दादी कैसी थी, नानी कैसी थी, नाना कैसे थे, उनको पता ही नहीं रहता कि क्योंकि और फिर घर में देखो बड़े बड़े लोग तो क्या है फ़ोटो वोटो लगा के रखते, तो उनको लगता है कि हाँ यार ये दादा है दादी है। आम लोग क्या करते हैं, जैसे दादा दादी शांत हुए गाँव में तुमने देखा तो वो करती नहीं ना फ़ोटो है ना कुछ है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मैं छोटा था मतलब 7-8 साल का था, तो मेरी मम्मी जल के शांत हो गई। तो मेरे को जब बड़ा हुआ, जब मैंने देखा कि यार मम्मी की एक आध फोटो भी नहीं है, तो मैंने सारे रिश्तेदारों से पूछा कि यार मामा मामी नाना नानी के यहाँ फ़ोन लगा के कि मेरी मम्मी की फ़ोटो आप यहाँ हो तो एक सेंड कर दो। तो बहुत से लोग मतलब है नहीं है, पहले उस ज़माने में कहाँ, आज से 20-25-30 साल पहले कहाँ चलता था ये सब। तो मैं मतलब अपनी मम्मी को दादा दादी को मैंने देखा ही नहीं कैसे है क्या है। तो आजकल क्या व्हाट्सएप फेसबुक लोग चलाते हैं, तो 10-5 मिनट का वीडियो बना के फैमिली वाला एक वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए, ताकि कल में जब बच्चे देखें तो उनको लगे कि हाँ यार दादा दादी ऐसे हो। कभी अपना भी मूड अपसेस हो तो अपन देख लेते कि हाँ यार माँ बाप भाई बहन जब उनके चले जाने के बाद अपने को याद आती है, तो थोड़ा देख के मन को शांति मिलती है। तो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देवीदास फनी के नाम से जय माता।